हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं हूं प्रथम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की इस वीडियो पे मैं आपको पोको X6 5G का रिव्यू देने वाला हूं। ये फ़ोन को यूज़ करते हुए मेरे को 2 वीक्स हो चुका है और 2 वीक्स में मेरा कैसा एक्सपीरियंस गया है यही सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कैमरा की। कैमरा इसमें आपको 3 कैमरा मिल जाता है, 64, 8 and 2 मेगापिक्सल का बैक साइड में आपको कैमरा मिल जाता है। और सेल्फ़ी की बात करें तो सेल्फ़ी आपको 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है। इसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग जो है 720p 1080p और 4K का रिकॉर्डिंग कर सकते हो इस फ़ोन में। उसके बाद इसमें 1080p में जो है वो FPS चेंज का ऑप्शन है। इसमें आप 30 and 60 FPS में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 4K में इसमें आपको कोई भी FPS सपोर्ट नहीं मिलेगा, इसमें बस आप 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो 4K का वीडियो। अगर 4K में जाते हो तो 4K में आपको 60 FPS का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इसकी बात करें कैमरे की, तो कैमरे मुझको एवरेज लगा इस प्राइस के हिसाब से। मुझको गेमिंग के मुकाबले आप जाते हो इस फ़ोन में, तो गेमिंग के मुकाबले आपको ये फ़ोन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि इसमें आपको 12GB RAM एंड 512GB स्टोरेज का आपको सपोर्ट मिल जाता है। उसी के साथ स्नैपड्रैगन 7S Plus Gen 2 का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि एक अच्छा खासा प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। अगर आप इसमें BGMI हो गया या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी या फ्री फायर हो गया, कोई भी ऐसा हाई ग्राफिक का गेम खेलते हो, तो इसमें आपको कोई भी लैग का प्रॉब्लम नहीं होता है और सभी गेम आप इसमें हाई ग्राफिक खेल सकते हो। तो गेमिंग के मुकाबले मैं इसको अच्छा खासा रेट देना चाहूँगा। और कैमरे के मुकाबले अगर आप देखा जाए तो इसमें कैमरा उतना खास नहीं है। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5100mAh का बैटरी मिल जाता है। उसी के साथ इसमें 67V का फास्ट चार्जिंग मिलता है। अगर आप इसमें गेमिंग नॉनस्टॉप करते हो तो ये 4 से 5 घंटा नॉनस्टॉप आप इसमें गेमिंग कर सकते हो। बट नॉर्मली यूज़ इसमें आप करते हो तो ये फ़ोन 2 से 3 दिन तक आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आप एक गेमर नहीं हो या फिर आप गेम नहीं खेलते हो, नॉर्मली कॉल या फ़ोटोज़ वगैरह के लिए यूज़ करते हो, तो ये आपको 2 से 3 दिन तक इसमें आप आराम से फ़ोन चला सकते हो बिना चार्ज के। इस फ़ोन में आपको हीटिंग का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत ही हीट होता है जब भी मैं गेम खेलता हूँ या फिर चार्ज में लगाता हूँ। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है इस फ़ोन पे।